दोस्तों 376 का मामला, 376 आईपीसी का मामला, जिसमें बताया जाता है, अक्सर लोग सुनते भी हैं इसके बारे में, बलात्कार जैसे जो केसेस होते हैं, रेप जैसे जो केसेस होते हैं, उसमें सजा दी जाती है 376 में। 376 के तहत ही सजा मिलती है किसी व्यक्ति को अगर वो रेप का कन्विक्ट होता है। जबकि रेप कब माना जाएगा, मतलब क्या क्या उसकी चीजें हैं, मतलब कब कब वो चीजें होंगी तो रेप माना जाएगा, जैसे कि आप अगर 375 पढ़ते हैं तो टोटल इसके अंदर 7 चीज डाली गई है, मतलब 7 वो चीजें हैं, 7 डिस्क्रिप्शंस हैं कि जिसके तहत अगर वो चीजें हुई तो रेप को माना जाएगा। वो 7 क्या क्या चीजें हैं उस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर बनाया है, हालांकि लास्ट में वीडियो हम लगा भी देंगे। 7 वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर रेप माना जाएगा, और साथ ही अगर वो चीजें नहीं है तो रेप नहीं माना जाएगा। अगर कोई भी इंसान जेल में है, कोई भी व्यक्ति जेल में है, कुछ वक्त से जेल काट रहा है, हालांकि सजा भी उसको नहीं हुई है, अभी सिर्फ उसको अरेस्ट किया है, या फिर किसी लड़की ने किसी लड़के का नाम ले लिया कि मेरे साथ वो रिलेशन में था, अब शादी नहीं करना चाहता है, ऐसे में भी रेप के तहत ही ऑफेंस को दर्ज कर लेती है पुलिस। हालांकि अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन अपनी आईपीसी में नहीं था जिसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के आधार पर जहां पर लड़का लड़की रिलेशन बनाए, पर अब जो नया देश का कानून आ रहा है उसमें जरूर स्पेसिफिक एक सेक्शन है। 3 कौन कौन से आधार होते हैं जब आप बेल लेना चाहते हैं, फिर चाहे आप एंटीसिपेटरी बेल लेना चाहें, फिर चाहे आप रेगुलर बेल लेना चाहें, जो इंसान जेल में है, 3 कौन कौन से वो आधार होंगे अगर आपके ऊपर भी कोई फेक रेप केस लग गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों रेप जो मामला है, रेप जो एक सीरियस मामला हम इसको कहें, जिसके तहत देखा जाए तो जो सजा का प्रावधान है जिसमें कि 10 साल से लेकर उम्र कैद और उम्र कैद से फांसी तक का भी प्रावधान हो सकता है, वो केस टू केस डिपेंड करता है क्या केस है और किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया। पर दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, जो रियली ऑफेंस होते हैं, रियली जो बलात्कार के केसेस होते हैं, जो मामले दोस्तों बिल्कुल ही रियल होते हैं, ऐसे मामलों को बहुत ही ज्यादा कठोरता से ही देखना चाहिए, बट कुछ मामले गलत तरीके से भी कोर्ट के सामने आते हैं। और ऐसे जो 3 ग्राउंड्स मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला ग्राउंड उसमें आता है कंसेंट का। कंसेंट क्या है दोस्तों, मान लीजिए एक लड़का लड़की अच्छी तरह से अपनी मर्जी से, अपनी विल से, होशो हवास में एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ में ही जाकर रिलेशन बनाते हैं, कहीं पर भी होटल का कमरा बुक कर लेते हैं, दोनों का रिलेशन बनता है, या फिर लड़के को लड़की अपने घर बुलाती है, या फिर लड़की लड़के घर जाती है, किसी भी तरह से दोनों के बीच में रिलेशन बनते हैं, दोनों की बिल्कुल मंजूरी है, शादी की अभी बात नहीं हुई है, और अगर शादी की बात अभी हुई भी है तो ऐसे में भी दोस्तों कंसेंट लड़की दे रही है, कंसेंट लड़की दे रही है, प्रॉमिस अभी तक शादी का हुआ नहीं है, और उसके बाद में दोनों का रिलेशन लगातार बनना शुरू हो जाता है, यहाँ बीच में शादी की बात बीच में एंटर कर जाती है, बाद में किसी भी वजह से लड़के लड़की के बीच में डिस्प्यूट होता है, अब लड़का मना करता है कि मैं अब तुझसे शादी नहीं करूंगा, या कोई भी ऐसा एक रीजन हो सकता है जिस रीजन से वो लड़का शादी करने से मना करता है, तो ऐसे मामलों में लड़कियां अक्सर एक फेक तरह की स्टोरी बनाकर, फॉल्स स्टोरी बनाकर जाकर पुलिस में दे देती है, पुलिस वाले FIR दर्ज कर लेते हैं, और FIR दर्ज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ललिता कुमारी का जजमेंट हमारे पास है जिसमें बोलते हैं कि सीरियस नेचर के जो मामले होते हैं उसमें सीधा रूप से आपको FIR दर्ज कर लेनी चाहिए बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के। तो यहां FIR दर्ज होने के बाद में सीधा पुलिस सामने वाले को अरेस्ट करती है, मतलब जो एक्यूज बना उस केस में उसे अरेस्ट करती है और जेल भेज देती है। कुछ वो एक्यूज जो बने हैं अभी इस केस के अंदर, जो बाहर हैं, पुलिस के कब्जे में नहीं आते हैं, वो लोग अपनी एंटीसिपेटरी बेल का सहारा लेते हैं। दोस्तों कंसेंट इज नॉट अ रेप, कंसेंट को रेप की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता, इसीलिए मैक्सिमम लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, या फिर मैक्सिमम लोग बहुत जल्दी ही अगर पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज भी दें तो उन्हें वहां से बेल मिल जाती है। तो कंसेंट इज नॉट अ रेप, इसको सबसे पहला मुद्दा आपको उठाना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि कंसेंट किस तरह से आप प्रूफ कर पा रहे हैं कोर्ट में।
अब दोस्तों आता है दूसरा आधार। दूसरा आधार क्या होता है, यहां पर एफआईआर कुछ अलग तरीके से या फिर हम कुछ कहें इस तरह से कि लेट एफआईआर लॉन्च कराई जाती है। मान लीजिए एक लड़के लड़की का रिलेशन बना, दो महीने तक बातचीत दोनों की आपस में होती रही और बात यह भी नहीं हो रही थी कि लड़की कंप्लेंट कर रही है। लड़की ने दो महीने के बाद में कंप्लेंट कर दी कि इस लड़के ने मेरे साथ में रेप किया है, इसने कोई भी टॉक्सिक चीज मतलब कि नशीली चीज देकर मुझे नशे में डाला, उसके बाद मेरे साथ में सेक्स किया, रेप किया मेरा, और उसके बाद में लड़की दो तीन महीने के बाद आई कंप्लेंट देती है। तो ऐसे मामलों में सबसे पहली बात, लड़की की जांच जो मेडिकल जांच है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाती, तो पता कैसे चलेगा कि उसका रेप हुआ या नहीं हुआ। साथ में ही जहां पर भी वो घटना हुई, जहां पर भी दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, वहां जाकर भी एफएसएल वहां पर जाकर नमूने कलेक्ट नहीं कर सकती। साथ में ही ऐसा कोई भी डायरेक्ट एविडेंस सामने आता ही नहीं है जिससे ये पता चल सके कि लड़की का उस दो तीन चार महीने पहले रेप हुआ था। तो लेट एफआईआर का भी कई बार कुछ लड़कियां गलत तरीके से लड़कों को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं, तो लेट एफआईआर का भी सहारा आपको लेना चाहिए। अगर लेट एफआईआर हो रही है तो इसको भी मुद्दा बनाकर कोर्ट में पेश करना चाहिए। लेट एफआईआर भी आपकी बेल का एक मुद्दा बनता है, बेल का एक आधार बनता है। अब हम बात करते हैं तीसरे आधार की तरफ। तीसरा आधार क्या है बेल लेने का, तीसरा ग्राउंड क्या है? दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि रेप के मामलों में लड़की जब भी कंप्लेंट करती है तो कई बार मेडिकल टाइम से नहीं कराती। मान लीजिए आज तो कंप्लेंट कर दी, अब वो मेडिकल तीन दिन के बाद जाकर करवाती है, दो दिन के बाद जाकर करवाती है। तो मेडिकल, अगर किसी लड़की का रेप हुआ, रियली में कोई अगर रेप हुआ, तो लड़की को उसी टाइम मेडिकल कराने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो और अब तो जो फिंगर टेस्ट होता था वो भी बंद हो चुका है, तो ऐसे में तो अब लड़कियां जाकर वहां पर मेडिकल करवाती ही है। अगर मेडिकल भी आपका टाइमली नहीं हुआ है, मेडिकल में दो तीन चार दिन की अगर देरी है, तो ये लेट मेडिकल होना भी आपकी बेल लेने में आपका एक आधार बन सकता है। तो ये भी आप आधार बना सकते हैं, कोर्ट में पेश कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, और आप रेगुलर बेल में भी इस आधार की सपोर्ट आप ले सकते हैं। ये भी आपका एक ग्राउंड बन सकता है बेल लेने के लिए। दोस्तों आप में से किसी पर भी अगर ये 376 का केस हुआ है, सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है, या किसी पर ये केस हुआ है, या फिर अभी आप लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर अभी नए वकील साहब हैं, कोई भी किसी भी तरह की असिस्टेंस जानकारी आप चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को छोड़ें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किस सजेशन से, हमारे किस रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर आ सके, बरी हो सके, आपकी बेल हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।